नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास ये 18 इंच का स्पीकर रिपेयर होने के लिए आई है। आप देख सकते हैं इसका पेपर स्पाइडर डस्ट केप अभी भी एक मतलब कभी भी ये खुला हुआ नहीं है। और ये जो स्पीकर है ये 1800 वाट बेस स्पीकर है, तो अभी जो है ये बिल्कुल बंद है। तो इसमें से पेपर को सही सलामत रखते हुए इसका केवल हमें वॉइस कॉइल हमें चेंज करना है। तो दोस्तों इसका जो डस्ट केप है कभी भी एक बार भी ओपन नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नई जैसी चमक रही है। हालांकि दोस्तों ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इसे ख़रीदे हुए, लेकिन बहुत सारे लोग कस्टमर लोग करते क्या है कि थोड़ी सी मतलब बजाने का जो तरीका है ये दोस्तों सही नहीं होता है। कनेक्शन अगर सही तरीके से नहीं लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो कि स्पीकर जलने का एक कारण मैं बता नहीं सकता हूं। स्पीकर जलने का बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसकी जो मॉडल आप देखेंगे तो दोस्तों ये ऑडियो टोन कंपनी भी ऐसा ही बनाती है, डास्का भी बनाती है, बहुत सारी कंपनियां ये मॉडल में बनाती है। हालांकि इसका स्टिकर वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी मैगनेट की साइज़ आप देखेंगे तो लगभग ये 10.5 इंच के आसपास में इसकी मैगनेट साइज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो डायमीटर है और इसकी मैग्नेट की जो थिकनेस है, ये डायमीटर दोस्तों 10 इंच है और इसकी अगर मैग्नेट की जो थिकनेस है ये लगभग 25 mm की है। देख सकते हैं पूरा का पूरा ये 25 mm है। तो यहाँ पर इसकी जो वॉइस कॉइल की जो साइज़ है ये दोस्तों 114.3 mm की यहाँ पर कॉइल लगती है। तो मेरे पास दोनों कॉइल है, मैं आपको दिखाऊँगा सभी कॉइल यहाँ पर दिखाऊँगा। और इसकी जो वेंटिलेशन यहाँ पर दे रखी है कंपनी, आप इधर से भी कॉइल आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मुझे पता चल रही है मतलब पता चल जा रही है कॉइल यहाँ पे कटा हुआ है। सो कॉइल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब आपस में देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर यहाँ पे बिल्कुल अलग हो चुका है। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ठीक है, ये कॉइल हमें दिख रही है और एक तरफ से कॉइल डिस्कनेक्ट भी हुआ है। तो चलिए डस्ट केप यहाँ से निकालने के बाद हम सबसे पहला कैमरे को एक जगह पर सेट करते हैं और डस्ट केप हम निकालते हैं यहाँ पर। तो डस्ट केप निकालने के बाद में कॉइल का क्वालिटी हम आपको दिखाएंगे। एक तो दोस्तों हमारे पास ऑडियो टोन कंपनी की कॉइल है जो कि 1800 वाट में है, और एक हमारे पास हैंडमेड कॉइल है जो मैंने खुद का बनाया हुआ है। तो दोनों में से कौन से कॉइल लगाना चाहिए और इसमें से कौन सी कॉइल यहाँ पर लगी हुई है, तो सारी चीज़ें हम बताएँगे। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और अगर चैनल पे आप हमारे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब कंपनी कॉइल लगा के देती है तो आपका स्पीकर बढ़िया बजता है, ये हर किसी के पास ये जानकारी होती है। लेकिन जब आपका स्पीकर ख़राब हो जाए तो होता क्या है कि आप कॉइल उसमें लगाते हैं तो आपका जो आवाज़ है डिफरेंट हो जाता है। जो कंपनी बना के देती थी उस समय तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब आप अलग से कॉइल लगाते हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जिस तरीके से पंच वाइब्रेशन आना चाहिए वो नहीं मिलती है आपको। तो आखिर कहाँ पर गलती करते हैं, क्या कैसे कॉइल लगाते हैं, तो आज उसी के बारे में आप लोगों के बीच में ये वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। तो जो कॉइल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो सबसे पहला अगर आप नए लोग हैं और वॉइस कॉइल अगर बदलना चाहते हैं तो जो मार्कर से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इस जगह पे, यहाँ पर आपको पहले मार्क कर देना है ताकि एक आपको अंदाज़ा लग जाए कि हमारी वाइंडिंग जो है कॉइल की जो लेयर है वो हमारी कितनी ऊपर कितनी नीचे रखनी है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर तो मार्क अभी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हीट गन से हम पहले कॉइल निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी जो मेन पॉइंट है ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा दोस्तों, जो कि आपको भविष्य में कभी भी आप स्पीकर अगर आप रिपेयर करेंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और आप भी अगर स्पीकर बनाएंगे तो जो आवाज़ आपको पहले थी वही आवाज़ आपको स्पीकर बनाने के बाद भी में भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हीट गन से हम इसे हीट करते हैं और कॉइल को हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करेंगे ताकि समय ज़्यादा ना लें, कम समय में ज़्यादा बातें ज़्यादा समझना दोस्तों, यही अब मतलब मेरा जो अब तरीका है, मेन टॉपिक है दोस्तों, जो बेसिक चीज़ होती है जिसके बारे में लोग जहां पर गलती करते हैं। अब मुझे उसी पॉइंट पर फोकस करते हुए आप लोगों के बीच में दोस्तों हम वीडियो लेकर के आते हैं अब। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहां पे थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे अब।
तो दोस्तों स्पीकर का जो कॉइल है इसे निकालने के लिए किसी भी तरीके के जानकारी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अनुभव के अनुसार हर कोई कॉइल निकाल ही लेते हैं, चाहे पेपर हो या फिर कॉइल हो, अपने अनुभव के आधार पर निकाल लेंगे, इसमें से कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी इसमें से हीट गन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हीट करने के बाद इसकी जो बॉन्टेट है बिल्कुल लूज़ हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉइल धीरे धीरे पुश करते हुए निकालते हुए चलेंगे हम। और यहाँ पर जो कॉइल कंपनी लगाई है ये दोस्तों इन आउट कॉइल है। तो इन आउट कॉइल और आउट कॉइल में दोस्तों कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दो लेयर दोनों में होती है। ठीक है, एक पेपर के अंदर होती है, एक पेपर के बाहर होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है, मतलब कॉइल जो है यहीं पर दोस्तों कट गई थी, जो मैंने आपको मैग्नेट के उल्टा साइड से दिखा रहा था। ठीक है, और कॉइल यहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं था, तो केवल जलने से ही स्पीकर बंद नहीं होती दोस्तों। अगर कॉइल जले या ना जले, अगर बीच में से कॉइल आपका कट जाए तब भी स्पीकर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीकर का कॉइल जब आप खोलेंगे तो सबसे पहला आपको मेजर यहीं पर कर लेना है, सबसे पहला मेजर आपको यहीं पर करना है। ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, ये जो वाइंडिंग, इसी वाइंडिंग के आधार पर आपको दूसरा कॉइल यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों हमारे पास, मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, इन आउट का कॉइल ये भी है, जो कि ऑडियोटोन कंपनी की है, 114.3 mm और 1800 वाट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और ये मेरे पास हैंडमेड का कॉइल है। ठीक है, ये हमने अपने हाथ से इसे रिवाइंड किया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और हैंडमेड कॉइल कैसे बनाया जाता है, इसका फार्मा कैसे बनाना है, इसके बारे में हम आपको वीडियो अपना मशीन और अपना डाई ज़रूर दिखाएंगे। और दोनों कॉइल में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वाइंडिंग लेयर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी जब लगा के दी है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा वाइंडिंग है। ठीक है, और इसमें टोटल अगर टर्न की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 65 से 70 टर्न यहाँ पे डाला गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 34 mm के आसपास इसकी वाइंडिंग है, लगभग 34 mm है। ठीक है, 34.2 mm, तो 34 mm ही हम इसे मान लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने वाइंडिंग किया है, इसका भी वाइंडिंग बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। और जो हमारे पास में है ये दोस्तों लगभग 28 mm के आसपास में है इसकी वाइंडिंग, आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसे हम छोटा करेंगे तो लगभग ये 28-30 mm के आसपास में आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों लगभग 29 mm के आसपास है। तो मैंने बहुत सारा दुकान में मैं पता भी किया तो लगभग 34 mm का वाइंडिंग मुझे नहीं मिला, तब जा करके मुझे अपने हाथ से इस कॉइल को मैं रिवाइंड किया हूँ। और दोनों कॉइल लगाने में दोस्तों डिफरेंस आपको आवाज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंस देखने को मिलेगी। हालांकि मैं दोनों कॉइल आपको लगा के दिखाऊंगा, एक मैं ऑडियोटोन की लगाऊंगा, एक मैं ये वाली कॉइल लगाऊंगा, और दोनों का जो आवाज़ है दोनों को मैं मतलब कस्टमर को हम देंगे दोनों कॉइल। दो स्पीकर मेरे पास आई है। ठीक है, तो दोनों स्पीकर में एक हम इस ये वाली कॉइल लगाएंगे और एक में हम ऑडियोटोन लगाएंगे, और कस्टमर के द्वारा दोस्तों प्रूफ करेंगे कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस उसे देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद आपको दोस्तों इसके बारे में हम जरूर बताएंगे आपको कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस मिला है, उसे कस्टमर के द्वारा क्या रिस्पॉन्स हमें मतलब क्या वो जानकारी देता है। ठीक है, चलिए हम पेपर को यहाँ पे साफ कर लेते हैं, और सबसे पहला कॉइल हम सेट करते हैं। और कितना सेट करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, तो चलिए फटाफट हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद हम ये वाली कॉइल ही लगाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों की वाइंडिंग अगर आप देखेंगे, जो ओरिजिनल कॉइल है इसके साथ में आप हमारे पुराने कॉइल मतलब जो अपने हाथ से इसे वाइंडिंग किया है, दोनों की वाइंडिंग आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये हमने कैप्टन पेपर में बनाया हुआ है, हालांकि इसके लिए टील पेपर सबसे अच्छा होता है, लेकिन मैंने कैप्टन पेपर में ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है ना, इसके ऊपर हमने अलग से बाद में बोनटेट से वाइंडिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने बार्निश का कलर चढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये हमारी 1800 वाट है, तो इसे हम दूसरा स्पीकर में लगाएंगे। एक स्पीकर में हमें ये मतलब दो स्पीकर में दो कॉइल लगाएंगे दोस्तों, एक हम कंपनी की लगाएंगे, एक हमें खुद इसे जो अपने हाथ से रिवाइंड किया इसे लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है, और इसे आपको 3 बराबर डिवाइड इसे कर देना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 3 बराबर डिवाइड में कर दिया हूँ, और इसमें से ऊपर लगभग अगर आप परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो लगभग दोस्तों आप इसे लगभग
लगभग दोस्तों 30% इसे ऊपर की ओर रखना है, ठीक है इतना, और लगभग 70% कॉइल को आपको अंदर कर देना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर ये हमारा बीच का सैंपल, अगर ये जो देख रहे हैं इसकी जो मैग्नेट की जो बीच वाली लोहे होती है, इसे आपको अगर ये आपका स्पीकर का बिल्कुल साइज में है, बिल्कुल बराबर है तब, ठीक है। और कॉइल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल 114.3 mm हमने यहाँ पे बिल्कुल बनाया हुआ है, और कहीं से भी मैग्नेट पर कोई दिक्कत नहीं आई है। हालांकि हमने एक दो स्पीकर में और हमने लगा के यहाँ पे मतलब लगा चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी हम हीट कर लेंगे ताकि कॉइल हमारी बिल्कुल आम तरीके से चली जाए, रगड़ते हुए नहीं जाएगी, ठीक है। फिक्स फिक्स हमने यहाँ पर साफ़ किया हुआ है पेपर को, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम हीट कर दिया हूँ, और हीट करने के बाद अब कॉइल जो हमारी बिल्कुल आसान तरीके से चली जाएगी, देख सकते हैं बहुत ही आराम से चली जाएगी अब, क्योंकि इसका जो बॉन्डेट है दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं कॉइल हमारा बिल्कुल आराम से चल जा रही है, ये देखिए, और बिल्कुल लूज भी है, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों इस मतलब ये जो कॉइल है अब कैसे बनाना है, अब मैंने कौन सी डाई में हमने बनाया हुआ है, इसके लिए दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कॉइल कैसे बनानी है, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्पीकर में हमारी सेट हो गई है। अब कॉइल को अब अप डाउन भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान से ये चली जा रही है, ठीक है, कहीं से फंस नहीं रही है। तो जब भी आप स्पीकर में कॉइल लगाएंगे तो दोस्तों आपको घुमा के इसके जो वाइंडिंग है चारों तरफ बिल्कुल इक्वल, एक बिल्कुल बराबर बाहर की ओर दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम या एक तरफ ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए चारों तरफ हमें पेपर दे करके टाइट कर देना है यहाँ पर। तो कॉइल को हम दोस्तों बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेंगे, जितना मैं आपको मार्क करके दिखाया था, ठीक है। और जब आप पुराना कॉइल खोले थे, अगर आप उसके मार्क्स के अनुसार भी अगर आप सेट करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कोई भी चीज़ से एक अंदाज़ा लेकर के आप सेट कर सकते हैं। एक दो टर्न अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो उतना हर किसी के साथ होता है। अगर दोस्तों आप कंपनी का भी स्पीकर खोलेंगे तो उसमें से भी अगर चार स्पीकर आप खोले हुए हैं, चारों एक ही मॉडल का, एक ही वाट का, एक ही कंपनी का, तो चारों स्पीकर का कॉइल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक दो टर्न सभी कॉइल आगे पीछे हो सकती है, चारों का कॉइल एक जैसा सेट नहीं रहती है, मैंने बहुत सारे स्पीकर में देखा भी है, ठीक है। प्लस अगर आप लोगों इसके बारे में क्या राय देते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हालाँकि मेरे पास जो अनुभव है, जो मैं देखा हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के बीच शेयर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ से चलिए कॉइल को हम फटाफट सेट कर लेते हैं, और इसे दोस्तों आज बजाना भी है क्योंकि आज दुर्गा पूजा का विजयदशमी है, और विजयदशमी में ही दोस्तों स्पीकर को मैंने कस्टमर के पास देना है। तो चलिए इस यहाँ पर फास्ट एंड क्लियर वाली बॉन्डेड हमने यहाँ पे लगा करके कंप्लीट कर दिया है, और स्पीकर दोस्तों हमारा बिल्कुल ये सूख भी चुका है, ये लगभग 10 मिनट के अंदर ये सेट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो पेपर मैंने डाला हुआ था, पेपर को हम यहाँ से निकाल देते हैं, और परफेक्ट ये सूख चुका है, आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से बिल्कुल क्लियर अप डाउन भी हो रही है। और अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इसका जो कनेक्शन है हम अब कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और कनेक्शन करने के बाद इसे थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे, और दोस्तों कस्टमर के द्वारा क्या रिप्लाई आता है, क्या कहता है वो, उसके बारे में हम आपको एक बार ज़रूर लाइव वीडियो में आकर के बताएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम इसे कनेक्शन करते हैं। तो इस वाली कॉइल का जो वाइंडिंग हमने किया है, ये दोस्तों 26 नंबर कॉपर से हमने यूज़ किया है, और 26 नंबर कॉपर यूज हमने किया है, और इसकी जो टर्न है ये दोस्तों लगभग 68 टर्न्स के आसपास हमने दिया हुआ है, जो कि कंपनी का जो कॉइल था उसका टर्न लगभग 65 टर्न के आसपास था। तो हमने यहाँ से 2 से 3 टर्न मतलब बढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, होनी चाहिए। और 26 नंबर कॉपर हमने यूज़ किया है। तो चलिए इसे फटाफट सोल्डरिंग करते हैं, और वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा बैटरी है, अब देखते हैं इस बैटरी से, तो देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है और इसकी जो
पेपर बिल्कुल ऊपर की ओर ही निकल रही थी, तो आवाज़ में डिफरेंस तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा अनुभव बताता है। बाकी बात अब इसका जो अगला टेस्टिंग है वो अब दोस्तों कस्टमर के हाथों ही होगा, और इसका जो रिस्पांस है वो कस्टमर ही मुझे बताएगा, और जो कस्टमर यहाँ पे बताएगा वो चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों के बीच शेयर हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर डस्ट कैप लगा करके दोस्तों स्पीकर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम इसी के साथ एक वीडियो और बनाएंगे जो कि 1800 वाट जो ऑडियोडॉन की कंपनी की कॉइल है उसे हम लगाएंगे, और दोनों को दोस्तों कस्टमर को देंगे। ठीक है, तो जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक के साथ साथ, अगर चैनल में पहली बार होंगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं डीजे से रिलेटेड आप लोगों के लिए हर तरह का वीडियो लेकर के आते रहते हैं, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। मैं रेगुलर वीडियो भी 2-4 दिन से नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ दुर्गा पूजा को लेकर के, और सबसे पहला कि वीडियो बनाने के बाद इसमें से एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे समय देना होता है अपलोड के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।